आज जो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने यह नौकरी दिया, महागठबंधन में जो काम कहाँ हुआ उसमें तो लूटपाट हुआ सिर्फ। जो टेंडर होने पर 10% और 15% बिलों में जो काम कॉन्ट्रेक्टर ले रहे थे, मुझे जानकारी लगी है कि 4% और 5% एभव में जा के काम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे लग रहा है और उसका मैं जाँच कराऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार के दौरान पंचायती राज विभाग में गड़बड़ी का जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज भवन और सोलर योजना से गांव-गांव तक सोलर लगाने के कार्य में गड़बड़ी की गई है, विभाग इसकी जांच कर रहा है और जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने दिख रही है। केदार प्रसाद गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के शासनकाल में जिन योजनाओं पर काम हुआ था उसमें टेंडर में गड़बड़ी हुई है, टेंडर की राशि तय करने में गड़बड़ी हुई है। जल्द ही इन विषय पर जांच कर विभाग खुलासा करेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव के शासनकाल में इस योजना से जो काम हुआ उसमें बड़े पैमाने में लूटपाट हुआ है। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर केदार प्रसाद गुप्ता, आप खुद सुनिए पहले इस वीडियो में। सर, सोलर को लेकर गांव में सोलर की व्यवस्था हो इसको लेकर पंचायती राज विभाग, देखिए सोलर जो है हम पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का संकल्प है कि हर पंचायत में हर वार्ड में 10 सोलर लगना है और 10 अलग से जो सार्वजनिक जगह पर लगना है वो सभी जगह लग रहे हैं। जहाँ कहीं गड़बड़ियाँ मुझे प्राप्त हो रही है मैं समीक्षा कर रहा हूँ, जो कंपनियाँ गड़बड़ी कर रही है मैं उसको चिन्हित करके हटाने का काम कर रहा हूँ और दूसरे को हम टेंडर दे करके देने का काम कर रहा हूँ ताकि बढ़िया से काम हो सके। जो कार्रवाई काम हुआ उस पर मतलब एक तरह से जाँच ये महागठबंधन में जो काम कहाँ हुआ उसमें तो लूटपाट हुआ सिर्फ। आप जो है आज जो तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने यह नौकरी दिया, पहले यह तो बताएं कि उनके पास 5-5 विधायक विभाग था, 5 विधायक में 5 आदमी को भी उन्होंने नौकरी दिया क्या? जिस शिक्षा विभाग की बात वो करते हैं, शिक्षा मंत्री तो उनके चाहे जो कारण हो शिक्षा विभाग में ही नहीं जाते थे तो नौकरी कहाँ से दे दिए? आपसे भला ज़्यादा कौन बढ़िया तरीक़ा से इस बात को जान सकता है? यह तो सीधा हवाबाजी करते हैं। अभी बिहार विधानसभा का इतना अति महत्वपूर्ण सेशन चला है और इस सत्र में एक दिन भी वो शामिल नहीं हुए, सबका जांच हो रहा है। आपने देखा होगा पीएचडी में जो गड़बड़ी हुआ था, टेंडर हुआ था उसको कैंसिल किया गया है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का जो विभाग है पथ निर्माण में, उसमें जहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको भी, और मैं अपने विभाग में भी पंचायत सरकार भवन में भी जो भवन विभाग जो शेड्यूल पर काम हो रहा था, जो टेंडर होने पर 10% और 15% बिलों में जो काम कॉन्ट्रेक्टर ले रहे थे, मुझे जानकारी लगी है कि 4% और 5% एभव में जा के काम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझे लग रहा है और उसका मैं जांच कराऊंगा। लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बिहार में ऐसा है कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामला में को देखिए कहीं भी कोई भी घटनाएं घटती है, लेकिन उद्भेदन कितना तेज़ी से हो रहा है इसको भी आप देखिए। घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकता है, हम तत्पर कितना है इसको आप देखिए। हम तत्परता से उसको जांच कराते हैं और तुरंत उद्भेदन करके मैं जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं जो क्रिमिनल है उसको सलाखे के अंदर बंद करते हैं। सवाल ये सर, सरयुग राय जी नीतीश कुमार के साथ मिल गए हैं? अरे भाई सब हम लोग एनडीए के लोग हैं, कहीं कोई बात नहीं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कि आपने बात सुनी, उन्होंने किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर जो है निशाना साधा है और उनके शासनकाल के दौरान कितनी गड़बड़ी का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रशांत किशोर को कॉरपोरेट जगत से आया हुआ आदमी बता दिया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत के लोग जनता की बात क्या समझेंगे। पहले क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से सुनिए प्रशांत किशोर को लेकर केदार प्रसाद गुप्ता, आप खुद सुनिए पहले इस वीडियो में। के रूप में अच्छा आप सब लोग को मालूम है,
कि प्रशांत किशोर जी जो हैं कॉरपोरेट जगत से आए हैं, कॉरपोरेट वाले जनता की बात को क्या समझेंगे, इस पर मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग ज्यादा समझते हैं। आपने सुना कि किस तरह केदार प्रसाद गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की बात की है। उनका साफ कहना है कि पंचायती राज भवन और सोलर योजना से गांव-गांव तक सोलर लगाने के कार्य में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने तेजस्वी के शासनकाल में जिन योजनाओं पर काम हुआ था उसमें गड़बड़ी की बात कही है। खैर, इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।